हाय, वेरी गुड मॉर्निंग. अचल सिंह दिस साइड फ्रॉम ग्लिटराटी पलफार्म्स. और आप सभी भाइयों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. और आपके समक्ष आने का फिर से एक खास मकसद बना मेरे लिए, और काफ़ी समय से मैं चाह रहा था इस टॉपिक को कवर करूँ. क्या हो रहा है कि जब से पर्ल फार्मिंग इंडस्ट्री शुरू हुई है तो काफ़ी लोग इसमें आए, काफ़ी लोग चले गए, काफ़ी लोगों के साथ डिसऑनेस्टी और लूटपाट हुई और लोगों के पैसे बर्बाद हो गए. लेकिन ऐसा हुआ क्यों, और इसके पीछे कौन वो लोग हैं जिन्होंने लगातार अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को सिर्फ गुमराह किया और कुछ नहीं किया. आपको मैं कुछ आज ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली हैं, और कुछ ऐसे फैक्ट्स आज हमारे सामने आएंगे. अगर उन फैक्ट्स के ऊपर जो नए लोग हैं वो थोड़ा सा भी अगर काम कर लें तो उनके साथ धोखाधड़ी तो पक्का नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं पर्सनली ले सकता हूँ. तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं या कौन वो लोग हैं जिन्होंने पर्ल फार्मिंग के अंदर लिटरली मैं कहूंगा कि गंद मचा के रख दिया, और जिनकी वजह से आज काफी लोगों का पैसा डूब चुका है. और कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको समझना बहुत जरूरी है. ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो लोग पर्ल फार्मिंग में आना चाहते हैं और पर्ल फार्मिंग के माध्यम से अपना एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग विजन करियर बनाना चाहते हैं. तो क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी है. देखिए, इसमें दो मेन लोग हैं या दो मेन कैटेगरीज हैं जिन्होंने कई लोगों का पैसा डुबो दिया पर्ल फार्मिंग के अंदर. पहली कैटेगरी तो वो है जो लोग आज से 3 साल 4 साल पहले आए, उन्होंने ट्रेनिंग से दबा के पैसा कमाया, रॉ मटेरियल बेच के पैसा कमाया, और उसके बाद जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी उन बेचारों ने, किसी ने 1000 सीप से, किसी ने 5000 सीप से, किसी ने 10000 सीप से अपना पर्ल फार्मिंग स्टार्ट किया. और आज हालत ये हो गई कि आज अगर माल भी रेडी भी हो गया है तो उनके पास बेचने का कोई सोर्स नहीं है. इवन वेस्ट बंगाल से लेके मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं इंडिया के अंदर जो लोग 3 साल 4 साल से कर रहे थे और वो अब गायब हो गए हैं. वो इसलिए गायब हो गए हैं क्योंकि उनके पीछे लोग पड़ गए हैं कि भैया हमारा माल खरीदो. माल तो वो खरीद ही नहीं सकते क्योंकि वो पहले भी नहीं खरीद सकते थे, वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे. और कई ऐसे लगातार आजकल नए नवेले लोग आ गए पर्ल फार्मिंग इंडस्ट्री में उनके जाने के बाद, जिन्हें ये लगता है कि पर्ल फार्मिंग सबसे बढ़िया सोर्स है एक पैसे कमाने का ट्रेनिंग के थ्रू. क्यों? क्योंकि क्या है, सिर्फ 5000-6000 रुपए में ट्रेनिंग मिल जाती है इजीली. किसी भी बंदे से आप बात करेंगे आज जो ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठे हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे तो छूटते ही आपसे वही कहेंगे कि 5000 रुपए में या 4000-3000 रुपए में वो ट्रेनिंग आपको दे देंगे. क्या ट्रेनिंग आपके लिए पर्याप्त है सफलता के लिए आपकी ट्रेनिंग के अंदर? मतलब आप अगर आज ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या आपके अंदर मतलब क्या आप पर्ल फार्मिंग करके ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा कि आप ट्रेनिंग करेंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? देखिए, आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूं आज. सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए कि आज से आप ये अपना अपने आप मतलब एक प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि मैं किसी को भी कॉल करूं, चाहे मैं अचल सिंह को कॉल करूं, ग्लिटराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड को, चाहे मैं A to Z किसी को भी इंडिया में फोन करूं, ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले तो मैं उससे कुछ सवाल करूंगा और या करूंगी, और उसके बाद मैं डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हम लोग की उस इंसान के साथ जुड़ना भी चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए. चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं. पहले तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो आप जब किसी को भी कॉल करते हैं, आज आप मुझे भी कॉल करते हैं या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर को कॉल करते हैं, तो उनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जुटा लेना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है. एंड दिस इज रियली क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस इन पर्ल फार्मिंग. पहली चीज, जब आप किसी को भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपका जो सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भैया आप लोग कितने समय से पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं और करवा रहे हैं. दोनों में फर्क है. पहला है कि कर रहे हैं आप, मतलब वो इंसान कब से कर रहा है, और क्या बोलते हैं, उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं. अब आप एक चीज को समझिए, जब आप पहला क्वेश्चन पूछते हैं उस इंसान से कि भैया आप कब से कर रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सा मतलब उसका आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि उसे अपनी मतलब वो कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी सही, तो वो अपनी लंगोटी बचाने के लिए छूटते ही आपसे कहेगा मैं 3 साल से कर रहा हूं, मैं 4 साल से कर रहा हूं, मैं 5 साल से कर रहा हूं. कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर आप उनको कॉल करके ये पूछ लेंगे कि आप सर कितने साल से कर रहे हैं, तो वो 3 साल बताएगा, और 10 मिनट बाद आप किसी और फोन नंबर से फोन करके उनको पूछेंगे तो वो कह रहे होंगे मैं 5 साल से कर रहा हूं. तो आप जैसे ही वो इंसान आपको ये बोलता है कि मैं 3 साल से कर रहा हूं, मैं 5 साल से कर रहा हूं, तो उससे एक काम कीजिए, उससे पूछिए सर आपके ट्रेनिंग भी उतने ही टाइम से दे रहे हैं, 5 साल से 3 साल से आप इतने टाइम से कर रहे हैं तो आप ट्रेनिंग भी इतने टाइम से दे रहे होंगे ना. तो जब वो इतने सालों से ट्रेनिंग दे रहा है, चाहे वो मैं क्यों ना हो चाहे कोई भी हो, तो सीधी सी बात है ना, उसने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी होगी, कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 लोगों को तो ट्रेनिंग दी होगी, कम से कम 100-200 लोगों को तो ट्रेनिंग दी होगी, अगर वो 2-3 लोगों को भी महीने में देता होगा तो. अगर वो इतने लोगों को ट्रेनिंग दे चुका है तो उससे पूछिए सर आपने इतने लोगों को ट्रेनिंग दे दी है,
तो आप एक काम कीजिए ना, मुझे ऐसे 10 लोगों के नंबर दे दीजिए या 5 लोगों के नंबर दे दीजिए जिनने आपसे ट्रेनिंग ली हो और आपसे वो जुड़े हुए हों, मतलब आपके माध्यम से वो पल फार्मिंग कर रहे हों। ठीक है, पहली बात तो आपको नंबर ही नहीं देगा। नंबर इसलिए नहीं देगा क्योंकि उनका काम यही है ट्रेनिंग देना और सिर्फ ट्रेनिंग देना, उनका कोई काम नहीं है आपका सेटअप लगवाना, आपको टेक्निकल सपोर्ट देना या आपका बायबैक करना। तो आपको पहली बात तो नंबर देगा ही नहीं, ठीक है ना। तो कम से कम 5 लोगों के तुम मिनिमम नंबर मांगिए जो उनके माध्यम से मिनिमम कम से कम 1 साल 1.5 साल से तू जुड़े ही हुए हो, और उनको बोलिए सर कि आप इतने टाइम से कर रहे हैं तो आप बड़ी मतलब लॉजिकल सी बात है कि आप 4 साल से कर रहे हैं तो आप सीधी सी बात है आप पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें माल पैदा करते होंगे, मतलब पर्ल्स रेडी होते होंगे, उन्हें निकालते होंगे और हार्वेस्ट करके उन्हें बेचते होंगे आगे, ठीक है ना। अब जब वो बंदा अगर 3 साल 4 साल से कर रहा है, एटलीस्ट उसने 2 साइकिल तो कंप्लीट कर ही ली होंगी, क्योंकि एक साइकिल 18 महीने से 24 महीने की होती है, अगर हम 18 महीने भी पकड़ लें तो 2 साइकिल वो कंप्लीट कर चुका होगा। और वो अपना माल ऐसा तो है नहीं कि माल तैयार कर रहा है और स्टॉक करके अपने घर में रख रहा होगा, वो आगे उसे बेच रहा होगा। तो भाई बड़ी सीधी सी बात है कि जब वो 4 साल से खुद पर्ल फार्मिंग करके और माल बना रहा है और आगे बेच रहा है, तो जब आप उससे ये पूछते हैं कि सर आप मेरा माल भी बाय बैक करोगे, तो वो मना क्यों कर देता है, या फिर वो ये कहता है हाँ हाँ बिल्कुल हम लोग बाय बैक करेंगे, कोई इशू नहीं है, बाय बैक करने में क्या प्रॉब्लम है, देखिए हम क्या करेंगे ना आपका, आपको पूरी हेल्प करेंगे। वो आपको घुमाएगा उस टाइम पे, वो क्या बोलेगा आपसे, आपसे बाय बैक की बात नहीं करेगा वो, ठीक से वो आपसे बोलेगा हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको हैदराबाद बिकवा देंगे, जब हमारे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, इसमें मिडलमैन होता है, इसमें सेलर होता है, जैसा आज किसानों की हालत देख रहे हैं ना, मिडलमैन की क्या हालत हो गई है आज एमएसपी के ऊपर, सेम वे में। तो आपको घुमाएगा, हाँ हम आपका माल हैदराबाद बिकवा देंगे, हम आपका यहाँ पे हमारे एजेंट्स हैं, मतलब ये नए नए वर्ड ढूंढ के लाते हैं जो लुटेरे हैं पल फार्मिंग के अंदर, ये नए नए टॉपिक्स और नए नए वर्ड्स ढूंढ के लाते हैं, हाँ हम आपका माल बिकवा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तो एजेंट्स हैं, फिक्स्ड है हमारे एजेंट्स, वो लोग आएंगे आपका माल ले जाएंगे। बिल्कुल नहीं पढ़ना है इस बात में, बिल्कुल ये मक्कारी और झूठ है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। कोई एजेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। अब पहले क्या होता था, जब ट्रेनिंग सेंटर खुला करते थे, अभी छोड़ो हम 1-2 साल भी छोड़ भी दूंगा, अगर मैं पहले लोग क्या कर रहे थे और कैसे माल बिक रहा था वो भी समझ लो। पहले लोग क्या करते थे, आज मेरे यहाँ कोई ट्रेनिंग लेके आएगा, ट्रेनिंग मेरे से लेगा, 2 दिन अपने घर जाएगा, पूरी प्लानिंग करेगा, समझ जाओ अरे अचल सिंह तो ट्रेनिंग से बहुत पैसा कमा रहा है यार, है हम भी कमा सकते हैं, तो घर जाएगा तुरंत ट्रेनिंग सेंटर का प्लानिंग करेगा और अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल लेगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो मुझे फोन करेगा, अचल जी मैं है ना आपका, मैं चाहता हूँ कि मैं अभी अपना काम तो करूंगा ही करूंगा, और मैं चाहता हूँ ना मैं कुछ पर्ल्स भी अपने यहाँ लोकली बेच के देखूँ, तो आप मुझे ना 20-25-30-50 या 100 पर्ल्स भेज दीजिए, मैं आपसे खरीद के आगे बेचूंगा, फिर उसके बाद आपका माल भी मैं बिकवाऊंगा। तो भाई हम तो एक गुड फेथ में लोगों को इसीलिए दे देते हैं ताकि मार्केट ओपन हो सके और सभी के लिए सेलिंग ऑप्शंस खुल सके। वो बंदा क्या करेगा, वो 100 पल्स अपने पास रख लेगा और वो अचल सिंह को दोबारा कभी कॉल नहीं करेगा, और अचल सिंह को 6 महीने बाद पता लगेगा कि भाई साहब अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठ चुके हैं। और जो बंदा उनके पास आएगा फिर उसके बाद वो 100 पल्स उनको दिखाएगा, बोले ये देखिए ये हमने माल तैयार किया है, ठीक है। तो हो क्या रहा था एक्चुअली में, क्यों ऐसा हुआ कि आज के टाइम में ग्लिटराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा इंडिया के अंदर बोल रहा हूं, पूरे पूरे इंडिया के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो 4 साल से पल फार्मिंग कर रहा हो या 3 साल से, मैं तो ये बोलता हूं, मेरे को तो 12 साल हो गए, आज कोई एक ऐसा आदमी मुझे दिखा दो पूरी इंडिया के अंदर जो बाय बैक करता हो, जिसकी कम से कम 3 साल पुरानी वीडियो हो, जो आज भी एक्टिवली पल फार्मिंग कर रहा हो और बाय बैक कर रहा हो। अगर एक भी आदमी सामने अगर अगर आज इंडिया में है तो एक यूट्यूब पे वीडियो डाल के मुझे दिखा दो, बस मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई अचल सिंह से भी ज्यादा पुराने लोग बैठे इंडिया के अंदर। तो पहले क्या हो रहा था एक्चुअली में, माल कभी बिक ही नहीं रहा था इंडिया के अंदर, ट्रेनिंग सेंटर टू ट्रेनिंग सेंटर ही माल बेच रहे थे लोग दबा के। मुझसे ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेके भाई साहब गए अपने घर, ट्रेनिंग सेंटर खोला, ट्रेनिंग सेंटर खोल के वो 100 मोती दिखाने शुरू कर दिए, फिर उन्हीं के उन्हीं को मतलब कुछ लोग कॉल करना शुरू करेंगे, हाँ जी एक नया ट्रेनिंग सेंटर और है, ठीक है ना, और यहाँ भी हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार अचल सिंह तो हरियाणा में ट्रेनिंग देता है, कभी कहीं देता, कौन इतनी दूर जाएगा। तो ये उस टाइप के लथार्जिक बोलूंगा मैं ऐसे लोगों को, ये वो टाइप के लोग होते हैं जिनको मतलब पानी पीने के लिए भी घर में आवाज लगानी पड़ती है कि भाई साहब मुझे ग्लास उठा के दे दो। तो ये चाहते हैं इनके घर के पीछे ट्रेनिंग सेंटर हो, इनके घर के पीछे ही कोई सेटअप लगाने वाला बैठा हो तो ये उससे लगवा लेंगे। इनसे थोड़ा सा ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। जब ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते ना, तो इनके साथ होता क्या है, इनका पैसा डूब जाता है, ठीक है ना, कंफर्टेबली, ठीक है। तो हो क्या रहा था, जैसे मैं बात कर रहा था कि ट्रेनिंग सेंटर टू ट्रेनिंग सेंटर माल बिक रहा था। अब ये भाई साहब मुझसे 100 मोती लेके जाएंगे, फिर उसके बाद 6 महीने बाद तक मुझे कॉल नहीं करेंगे, फिर 6 महीने बाद ये मुझे कॉल करेंगे, अच्छा जी मुझे 100 पीस और दे दो।
वो क्यों मांगे उसने मुझसे 100 पीस सर? वो इसलिए मांगे कि जो उसके यहाँ ट्रेनिंग लेने आया उसने भी उससे 100 पीस मांगे। तो प्लीज सावधान हो जाइए, थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए, वरना मैं गारंटी करता हूं आपका पैसा डूबना तय है, आपका पैसा डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अब आपको एक और चीज बताता हूं बड़े मजेदार की। ये तो हो गया कि भाई आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर को फोन करते हैं तो उससे ये जरूर पूछिए आप कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपके माध्यम से कितने लोग आज तक जुड़ पाए हैं और सक्सेसफुली सक्सेसफुली आपके यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद सक्सेसफुली पर्ल फार्मिंग एक्टिवली कर रहे हैं, ठीक है ना? एक्टिवली पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं मतलब आज भी पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि वो ट्रेनिंग ही देने में लगाए और रॉ मटेरियल ही बेचने में लगाए कि न्यूक्लियस ऐसे बना लीजिए, आप डाई यहां से खरीद लीजिए, आप पॉन्ड ऐसे बना लीजिए, आप फिल्टर ऐसे लगा लीजिए, ये सब बकवास बातों में आना बंद कीजिए, ठीक है ना? और थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, वरना आपका पैसा डूबना तय है। मैं बोल रहा हूँ ये बात गारंटीड, इतने साल हो गए मुझे इंडस्ट्री चलाते चलाते, मैंने अच्छे अच्छे धुरंधर आए और अच्छे अच्छे धुरंधर चले गए, ठीक है ना? और अभी भी नए आ गए हैं कुछ आजकल, उनकी भी पोलपट्टी मैं अभी खोलने वाला हूँ वीडियो के अंदर, वो सुधर नहीं रहे क्योंकि। तो हो क्या रहा है कि भाई जब आप किसी को भी कॉल करते हैं तो उससे जरूर पूछ लीजिए कितने सालों से वो पल फार्मिंग कर रहा है, कितने लोग उसके माध्यम से आज तक जुड़े हुए हैं। मेरे से भी पूछिए ये बात, मेरे से भी 10 लोगों के नंबर लीजिए, मैं 10 नहीं 20 नहीं 30 कितने नंबर चाहिए मैं आपको वो नंबर दूंगा, जाके देखिए वो एक्टिवली सभी लोग पल फार्मिंग कर रहे हैं। ये लोग नई नई कहानियां रोज बना के लाते हैं, इनसे सतर्क रहिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आप उनसे पूछिए सर आप इतने सालों से कर रहे हैं, आप भी अपना माल बेच रहे होंगे, ठीक है ना? तो आप मुझे ऐसे कुछ लोगों के नंबर दीजिए, कम से कम 5 लोगों के नंबर दीजिए जो एक्टिवली आपके माध्यम से कम 2 साल से जुड़े हुए हो और आपके माध्यम से वो क्या बोलते हैं पल फार्मिंग कर रहे हैं। उसके बाद उससे पूछिए सर आपके माध्यम से अगर कोई जुड़ भी रहा है तो कैसे जुड़ रहा है, आप उसको बायबैक करने के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मतलब आप उसका माल खरीद रहे हैं रेडी होने पर? आपने आज तक किसी का माल खरीदा है? मुझे कम से कम 2 लोगों के नंबर तो दे दो या 3 लोगों के नंबर तो दे दो जिनका आपने माल आज तक खरीदा होगा। भी एक्टिवली पल फार्मिंग करना, उसको टेक्निकली सपोर्ट करना और बायबैक करना तीनों अलग चीजें हैं, ठीक है ना? तो आप उनसे जरूर पूछिए कि भैया मुझे 4-5 लोगों के तो नंबर दो जो एक्टिवली आपके साथ जुड़े हुए हों, और ऐसे लोगों के नंबर दो जिनका आपने कभी बायबैक किया हो आज तक, और अगर आप बायबैक कर भी रहे हो तो आप बायबैक कैसे कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है। कई लोग बहुत समझदार हैं, वो आपको वर्बली कमिट कर देंगे, वो बोल देंगे हाँ हाँ हम आपका बायबैक कर लेंगे, आप कीजिए ना, आप स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान, जो आदमी मुंह से कुछ बोल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही आज के टाइम में, ठीक है ना? बाप बिटेगा नहीं आज के टाइम में, आज सब कुछ लिखित चलता है मेरे भाई। आज अचल सिंह से अगर आप जुड़ते हो, अचल सिंह आज आपको यह बोल रहा है कि भैया मैं तुम्हारा माल बायबैक कर लूंगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैं कर लूंगा? कल को मैं मना कर देता हूं मैं नहीं खरीद रहा, कर लो जो करना है, क्या कर लोगे आप मेरा या किसी का भी क्या कर लोगे आप अगर वो मना कर देगा तो, ठीक है? तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड लिखित में, मतलब जब हम बायबैक एग्रीमेंट की बात भी करते हैं कि मैं बायबैक एग्रीमेंट आपके साथ करूंगा तो लिखित बायबैक एग्रीमेंट होना चाहिए वो। और एक और चीज बता दूं, कुछ बहुत समझदार व्यक्ति आ गए इस इंडस्ट्री के अंदर, वो 10-10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आजकल बायबैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम कोर्ट से आपको 10-10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बायबैक कर रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती है कोर्ट में, वो माननीय भी नहीं होगा, ये भी बता दूं आपको। अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं बायबैक करूंगा 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, बिल्कुल मत मानिए, उससे बोलिए भैया एक बात बताओ तुम बायबैक कर रहे हो किस बिहाफ पे बायबैक कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई कंपनी है मतलब कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना? आज मैंने कहा राममोहन सिंह भैया क्या बोलते हैं या अचल सिंह आपके साथ एग्रीमेंट करता है कि आपका माल सारा खरीदेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब क्या बोलते हैं आपके पास कोई कंपनी होगी उसी की वैल्यू होती है, कंपनी टू मतलब आज आप मेरे से अगर मैं अगर आपके यहाँ पर आगे पल फार्मिंग का सेटअप लगाता हूं तो आप मुझे जो पैसे देंगे तो आप तो मेरे इंडिविजुअल अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं ना, आप तो मेरे इंडिविजुअल करंट अकाउंट में तो नहीं डाल रहे ना, कंपनी का करंट अकाउंट होता है, समझ रहे हैं आप बात को? तो किसी के इस झांसे में बिल्कुल मत आइएगा कि मैं कोर्ट से आपको 10-20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपके साथ एग्रीमेंट करने को तैयार हूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी कोर्ट में, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा समझदार बनिए कि जब भी किसी के साथ जुड़ते हैं तो उससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना बहुत जरूरी है, वरना आपका पैसा डूब जाएगा, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं। ये तो हुई बात कि भाई उससे क्या क्या पूछना है, ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई कि आप कब से कर रहे हैं, आप कुछ लोगों का नंबर दीजिए, 5-6 लोगों का मुझे जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं पिछले 2-3 साल से जो आपके थ्रू आज पल फार्मिंग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, 3-4 लोगों के नंबर दीजिए जिनको आपने कभी पेमेंट की हो, क्या आपने भैया आज तक किसको पेमेंट करके दिखाई है मुझे, उनके नंबर दो, ये 3-4 सवाल। और आपकी कौन सी कंपनी है, आपके नाम से पल फार्मिंग सेंटर नहीं चलेगा, माँ पल फार्मिंग सेंटर, बेटा पल फार्मिंग, राजेश पड़ोसी पल फार्मिंग सेंटर, ये सब नहीं चलेगा।
बोलिए सर आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दीजिए मुझे, आपके कंपनी के मुझे डॉक्यूमेंट्स देखने, कंपनी का पैन कार्ड, आपका जैसे पैन कार्ड होता है उसी तरह कंपनी का भी पैन कार्ड नंबर होता है, उसका पैन कार्ड नंबर मांगिए उससे, बोलिए भैया मुझे आपकी कंपनी का पैन कार्ड नंबर चाहिए, आपका पैन कार्ड लेके आपका आधार कार्ड लेके मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो तो डुप्लीकेट सब बन जाते हैं मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं आप। ये सारे क्वेश्चंस हो गए, अब आपको एक और नई चीज बताता हूँ, ये तो हो गई एक बात उन लोगों की जो लोग जो नए लोग इस पर्ल फार्मिंग में आना चाहते हैं और उनके साथ वो कैसे फ्रॉड से बच सकते हैं नए लोगों के साथ जुड़ने से पहले या कहीं से भी ट्रेनिंग लेने से पहले। और एक और चीज बताता हूँ ट्रेनिंग के ऊपर ही, हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करें उसी से, उससे पहले हम ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। आज जिसको देखो पर्ल फार्मिंग के नाम पे, भाई साहब भैया ट्रेनिंग कब होगी, भैया ट्रेनिंग कब होगी, अरे मेरे भाई आपको ट्रेनिंग लेनी है तो भैया ट्रेनिंग क्या इतनी जरूरी है कि आप पर्ल फार्मिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे बिना ट्रेनिंग के, सच में इज इट। आज दो साल से हमारे देश में कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है, मतलब एजुकेशन सिस्टम चरमरा चुका है हमारे देश का। और क्या ऐसा हो रहा है कि दो साल से सिर्फ अनपढ़ लोग ही हैं इस दुनिया के अंदर, दो साल से लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, दो साल से कुछ लोगों ने सीखा ही नहीं, जो कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं गए, जो मतलब टीचर के पास नहीं पहुंचे, क्या उन लोगों ने कुछ नहीं सीखा? आपको एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं, जिसके भी दिमाग में अगर ये बात आ रही हो कि भैया ट्रेनिंग के बिना पर्ल फार्मिंग नहीं की जा सकती, तो अपने दिमाग से निकाल दो बाहर से, ठीक है ना। आपको ट्रेनिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं से भी, मुझसे भी ट्रेनिंग लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है सही ज्ञान की, सही नॉलेज की, कि आपको इसे स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं अरे सर हम सर्जरी कैसे करेंगे, सर्जरी आपको करनी नहीं है, सर्जरी तो हम आपके लिए करके जाएंगे, हमारी टीम आएगी, सीप वगैरह सब आपके यहाँ पहुंचेगा, हमारी सर्जरी की टीम है, बकायदा सर्जरी की टीम हमारी कई सालों से निरंतर काम कर रही है पूरे इंडिया के अंदर, आपके वहां पहुंचेंगे, रुकेंगे, बकायदा सर्जरी वगैरह करके आपके तालाब में डलवा के तब हमारी टीम जाती है। और बात रही सीखने की, तो असली ज्ञान क्या है जो मैं आपको आज मतलब डिजिटली दे रहा हूं, या फिर जो आपके यहां पर जब सेटअप लगेगा और आप उसे होते हुए देखेंगे, ठीक है। आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, आज वो आपको क्या करता है, सर्जरी करके दिखाता है ना, वो आपको यही बताता है ना कि हाँ भाई न्यूक्लियस ऐसे इसके अंदर इंजेक्ट करना है, ये फीड देनी है, इतने दिनों में ऑक्सीजन, अमोनिया, पीएच वैल्यूज चेक करनी है, अगर ये हो जाता है तो क्या करना चाहिए, अगर वो हो जाता है, अरे ये सब तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं, आपको जरूरत ही नहीं है ट्रेनिंग की, आप क्यों 5,000 रुपए अपना बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है आपको। फिर भी अगर आपको ट्रेनिंग का शौक है तो अभी मैंने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर दी है 5,000-10,000 रुपए अपने बर्बाद करना बंद कर दीजिए। 500 रुपए ट्रेनिंग की फीस रखी है, पिछले साल मैंने 250 रुपए में ट्रेनिंग दी थी, तो आप समझ सकते हैं 250 रुपए में क्या आता है और 500 रुपए में भी क्या आता है। 2 दिन की ट्रेनिंग है, अभी हमने 17-18 जुलाई के आसपास की ट्रेनिंग रखी गई है, ये तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग है, ये मूर्थल हरियाणा के अंदर होगी। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो मेरा नंबर है 9711858258 9711858258। मेरे इस नंबर पे कॉल करके 11 से 6 के समय है, प्लीज 6 बजे के बाद कॉल मत कीजिए और 11 बजे से पहले मत कीजिए, ठीक है ना, मैं व्यस्त रहता हूँ थोड़ा सा अपना रिसर्च वर्क में। तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सारी विधि जान सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, बहुत जल्दी क्लोज भी हो जाएंगे। वापस अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि प्लीज आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लेना चाहें तो हमने एक, मैं 1.5 साल बाद आज ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं ट्रेनिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं कि ट्रेनिंग जैसी कोई चीज होनी भी चाहिए, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपका प्रैक्टिकल सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। आपको अगर टाइम पास करना है तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप मुझसे मिलने के इच्छुक हैं तो आप जरूर आइए, हो सकता है मैं उस वक्त शायद ज्यादा बातें और कर पाऊं खुल के, क्योंकि यूट्यूब पे एक हमारा टाइम लिमिट होता है, उससे बात होती नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि क्या क्वेश्चंस आपको इन बंदों से पूछने हैं जो नई नई ट्रेनिंग के जहां से लेके आते हैं आपके पास, के 5,000 रुपए में ट्रेनिंग ले लीजिए, कोई 7,000 में, कोई 3,000 में। अब इनकी मैंने ये हालत कर दी है कि ये बेचारे ये सोच रहे हैं कि भैया आप करें तो करें क्या। तो कई लोग तो इससे बाहर ही हो गए इस इंडस्ट्री से, इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको भी, कई लोग तो इस इंडस्ट्री को ही छोड़ के चले गए कि भैया इस आदमी ने जीना हमारा हराम कर दिया है ना, ये क्या पता नहीं भैया खुद कमा रहा है लेकिन हमें कमाने नहीं दे रहा है। भैया कमाएगा वो जो ऑनेस्टी रखेगा लाइफ में, जो लॉन्ग टर्म विजन रखेगा अपनी लाइफ में, वो लोग नहीं कमाते जो शॉर्ट टर्म विजन रखते हैं। आपका विजन जब तक मतलब कहते हैं ना कि एक कांस्टेंट और एक लॉन्ग टर्म विजन जब तक नहीं होगा कि इंडस्ट्री को कहां लेके जाना है, इस इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, आप कभी कमा ही नहीं सकते हो। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिएगा जो लोग 3 साल से या 2 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, या 3 साल से हैं, या जिनकी वीडियोस 3 साल पुरानी है। और आज मेरा चैलेंज है, मुझे एक आदमी दिखा दीजिए
3 साल पुराना या 4 साल पुराना, मेरे जितना पुराना, जो आज भी एक्टिवली लोगों के सेटअप के वीडियोस यूट्यूब पे डालता हो, उनकी पेमेंट के वीडियोस यूट्यूब पे डालता हो, या फिर एक्टिवली आज भी पर्ल फार्मिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हो, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जितने पुराने थे, बंगाल में एक लड़का है, उसके तो रोज मेरे पास कॉल्स आते हैं, एक बंदा था बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, उसकी रोज शिकायत आती है मेरे पास कि उसने हजारों लोगों को बर्बाद कर दिया पैसा लेके ट्रेनिंग दे देके। इसी तरह और कई महान अनुभव हैं जो कभी मेरे खिलाफ वीडियो बनाया करते थे, आज वो दिखते ही नहीं है, आज वो गायब है इस इंडस्ट्री से, वो नए नए वीडियोस बनाते हैं आजकल किसी और चीजों के ऊपर, किसी और टॉपिक्स पर, क्योंकि उनकी दाल गलना बंद हो गई। यही हाल सेम कड़कनाथ का था, यही बायोफ्लॉक का था, यही हाइड्रोपोनिक्स का था। एक चीज को समझिए, इंडिया में क्या है ना, इंडिया में एक भेड़ चाल है, जैसे ही कोई नई इंडस्ट्री पनपती है या नया कोई चीज आता है इंडिया के अंदर, मान लीजिए बायोफ्लॉक आया, कड़कनाथ आया, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो काम करते हैं, पहला काम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो उसे लेके आया उससे ट्रेनिंग लेंगे, 100-200 लोग अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल लेंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे उसका रॉ मटेरियल बेचना शुरू कर देंगे। भैया कड़कनाथ आया तो भैया उसके बच्चे बेचना शुरू कर दिए, बायोफ्लॉक आया तो वो क्या बोलते हैं, सीमेंट की जालियां, टारपुलेंस, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन क्रिएटर होता है, पाइप्स होते हैं, उसका जो पंप सेट होता है, कैसे बनेगा, बनाने वाले लोग, बस सक्सेसफुली उस चीज को करने वाले लोग मात्र मुट्ठी भर होंगे जो सच में उस काम को करने के लिए मतलब उत्साहित होंगे या सच में कर रहे होंगे, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, ओनली हैंडफुल पीपल। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो लोग पुराने हैं, जो लोग पुराने हैं जिनकी वीडियो 2-3 साल पुरानी हो गई है, उन महान अनुभवों को जरा पहचान लीजिए और अच्छे से देख लीजिए उनकी कोई नई वीडियो अब दिखती है आपको आती हुई, क्यों नहीं दिखती बताओ, चलो इसलिए नहीं दिखती, भाई साहब उनका उल्लू हो गया सीधा, उन्होंने ट्रेनिंग दी, आज 400-500 लोगों को ट्रेनिंग दी, उनको जो कमाना था 8-10 लाख रुपए, जो उनका हमेशा का गोल होता है, 8-10 लाख रुपए अपनी ट्रेनिंग और रॉ मटेरियल बेच के कमाए, लोगों की बर्बादी कर दी। आज ऐसे कितने लोग मेरे पास गिन के 10 कॉल करते होंगे जो ये बोलते होंगे, सर हमने कहीं से ट्रेनिंग ली थी और हमारा माल नहीं बिक रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है ये माल, आप बताओ मुझे। वो इसलिए नहीं बिक रहा है कि जो ये पुराने लोग थे 3 साल पुराने 4 साल, ये सब गायब हो चुके हैं इसमें से, अब नए नए लोग आ गए। आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लो यूट्यूब पे से, मैं चैलेंज करता हूं कि जितने लोग आज यूट्यूब पे ट्रेनिंग की वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है ना, कि मेरे यहां से ट्रेनिंग लीजिए या कहीं से भी ट्रेनिंग लीजिए, उनमें से एक से भी पूछ के देख लो आपने कितने सेटअप आज इंडिया में किए, तो हवा निकल जाएगी, ये जवाब नहीं आएगा कि भाई साहब कितने आज तक उन लोगों ने सेटअप किए हैं। और उनसे अगर ये पूछ लिया गलती से कि तुम्हारी कंपनी कौन सी है, तुमने कितने लोगों को पेमेंट की, फिर तो जवाब ही नहीं आ सकता बॉस। और आपने उनसे 10 मिनट से ज्यादा सवाल कर लिए तो वो सीधा कहेंगे भाई साहब ट्रेनिंग में क्यों नहीं आ जाते, आप ट्रेनिंग में बात कीजिए ना आगे, इतना समय थोड़ी कि हम आपसे बात करते रहे। ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। मैं बार बार अपने वीडियोस के हर वीडियो के एंड में लोगों को बोलता हूं, प्लीज सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, आप ये देख लीजिए कि वरना आपका पैसा डूबना तय है। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, 2 टॉपिक तो मैंने कवर कर लिए। यूट्यूबर्स ने क्या है ना भाई साहब, हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया लिटरली, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, ये लोग कितने शातिर होते हैं, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए आप एक काम कीजिए, आज यूट्यूब पे जाके ना लिखिए पर्ल फार्मिंग और या लिख दीजिए मोती पालन, तो आपको जो पहले वीडियो दिखते हैं ना, 2 महान अनुभव उसके अंदर, उसमें मतलब एक तो मतलब शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस यूट्यूब चैनल का, उसके कुछ 17 लाख 18 लाख व्यूज हैं, जो पहला वीडियो आता है, वो 2 लोग जो हैं उसके अंदर, उनके कभी कमेंट्स में जाइए, आप उनके कमेंट्स में जाइए और कमेंट्स में जाके आप वो देखिएगा कि क्या कमेंट्स लिखे हुए हैं उसके अंदर, ठीक है ना, और उन कमेंट्स को पढ़िएगा। जिस यूट्यूबर ने वो वीडियो बनाई है, मैंने उसको मैंने उसको मैसेज किया यूट्यूब पे भी, वो भाई साहब ने क्या किया, वो इतने अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं उन्होंने, और अपने जो भी उनके फॉलोअर्स होंगे उनसे बोल के मेरे यूट्यूब पे भाई साहब गालियां लिखवानी शुरू कर दी, ठीक है ना, कि मैं तुझे जानता हूं तू क्या करता है फलाना ढिमकाना। उस यूट्यूबर को जिसका टॉप वीडियो आज चल रहा है पर्ल फार्मिंग का, ऊपर जाके देखिए 17 लाख कुछ आसपास व्यूज हैं उसके, और जो 2 लोग हैं उनके तो खानदान ने कभी पर्ल फार्मिंग नहीं की होगी, वो तो भूल जाओ। और कितने लोगों ने उस यूट्यूबर को ये बोला है कि आप इसकी वीडियो डिलीट कर दीजिए, लेकिन इतना बेशरम है वो यूट्यूबर, वो वीडियो डिलीट करेगा ही नहीं, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, मेरा चैलेंज है। उसके बाद एक सरदार जी भी आते हैं, वो भी एक यूट्यूबर है, उन्होंने मुझे पहले फोन किया था, हम आपकी वीडियो कवर करने वाले हैं, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाया उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरी वीडियो कवर ना करके उन्हीं दोनों बंदों की, जो आज यूट्यूब पे ऊपर ट्रेंड करते हैं, दो आदमी मोटे से, ठीक है ना, वो दोनों के दोनों की वीडियो शूट कर ली उस सरदार जी ने भी जाके।
तो भाई साहब उनके भी भाई साहब के 12-13 लाख व्यूज हैं। कितने सारे लोगों ने शिकायत की है उस कमेंट बॉक्स में जाके कि इनकी वीडियो डिलीट कर दीजिए। लेकिन ये यूट्यूबर्स मतलब जो शुरू के टॉप 3 यूट्यूबर्स हैं या 4-3 जिनके ऊपर आते हैं या मेड से ऊपर आते हैं 2-3 लोग जो आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड या थर्ड पे मेरी सबसे, वैसे तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर शायद मेरे ही होंगे पूरे इंडिया के अंदर, मेरे 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन कितने लोगों ने उन इन दोनों यूट्यूबर्स को बोला होगा कि आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, लेकिन वो वीडियो डिलीट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप मैं आपको लिख के दे देता हूं, आप चाहे उन पे लिख के देख लीजिए। जबकि इतने लोगों ने शिकायत की है कि उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है इनके थ्रू, लेकिन फिर भी नहीं सुधर रहे लोग। ये इसलिए नहीं डिलीट करेंगे क्योंकि क्या होता है, यूट्यूब एक पैसा कमाने का बहुत बढ़िया जरिया है। क्या होता है, जब आपकी वीडियो आप कोई पोस्ट करते हो यूट्यूब के ऊपर, तो वो वीडियो बेसिकली जब ट्रेंड होना स्टार्ट होती है और उस पर व्यूज आना स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो यूट्यूब आपको क्या करता है, एक ऑप्शन देता है मोनेटाइजेशन का। तो जब आपका चैनल एक स्पेसिफिक व्यूज या स्पेसिफिक सब्सक्राइबर्स हिट कर लेता है, उसके बाद आपको जितनी बार कोई उस चैनल को व्यू करेगा या उस वीडियो को व्यू करेगा, यूट्यूब उसको, उस बंदे को, उस यूट्यूबर को पैसा देना शुरू कर देती है। तो क्या हुआ है, इतनी शिकायतों के बाद भी इन दोनों ने अपने वीडियोस डिलीट नहीं किए। क्यों? क्योंकि एक के 13 लाख व्यूज है, एक के 17 लाख व्यूज है। ये वीडियो डिलीट करने से उनको नुकसान है, ठीक है ना। और जबकि कमेंट बॉक्स में भाई साहब खुद लिख रहे हैं कि नहीं नहीं हमने इनका नंबर हटा दिया। अरे भाई तूने नंबर हटा दिया, वो एहसान थोड़ी कर दिया, तू गुमराह कर रहा है लोगों को देश के अंदर, ठीक है ना। देश के अंदर तुम लोग गुमराह कर रहे हो लोगों को, लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर थोड़ी शर्म बाकी हो ना तो अपनी वीडियो डिलीट कर देना वहां से, वरना अभी तो भाई मैंने नाम नहीं लिया, अगली बार से नाम लेके बोलूंगा तेरे बारे में, तुम दोनों के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। और मुझे कोई डर नहीं लगता किसी से, समझ में आया, और ना मुझे कोई फर्क पड़ता है। तुम्हारे जैसे यूट्यूबर ना रोज आते हैं मेरे पास बकवास करने। तो भैया ऐसा है, ऐसे यूट्यूबर से सावधान जिनके ऊपर 17 लाख व्यूज है, आइए देखिए 17 लाख कमा लीजिए, 50 लाख कमा लिया इतनी सी जगह में, पागल बनना बंद कीजिए, ठीक है ना। पैसा कमाना इतना आसान होता तो हर दूसरा बंदा करोड़पति मिलता। आज इंडिया में भुखमरी नहीं हो रही होती, देश बंद पड़ा है। तो मैं यही कहूंगा यूट्यूबर्स की इन बकवासों से खास सावधान। छोटे से टैंक में, टब में कर दिए मोती पैदा, फिर भाई साहब 10x10 की जगह में कर लिया 50 लाख का बिजनेस। अरे शर्म करो यार, थोड़ी सी शर्म करो। अपने फायदे के लिए तुमने कितने लोगों का पैसा डुबो दिया। तुम्हारे भरोसे पे लोग तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, गलत फहमी में मत रहना, बता रहा हूं तुमको मैं कि तुम्हारे भरोसे पे जब तुम वीडियो डालते हो, तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारे भरोसे पे लोग तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं कि एक अच्छी हमको वीडियो दे रहा है, एक अच्छा हमको ऑप्शन दे रहा है पैसे कमाने का। लेकिन लोगों का पैसा डूब जाता है, ठीक है ना, किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। तुम लोग वो वीडियोस डिलीट नहीं करते हो ताकि तुम्हारे व्यूज ना चले जाएं, तुम्हारा पैसा ना आना बंद हो जाए यूट्यूब से। थोड़ी सी शर्म होना तो बंद कर दो उसे। एक भाई साहब तो ऐसे हैं, ऐसे बोर्ड लेके खड़े हैं नो किसान नो फूड अपने यूट्यूब चैनल पे, और ऐसे ऐसे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। कुछ शर्म कर लो थोड़ी सी, अगर शर्म बाकी हो तो, वरना वो डीपी हटा देना वहां से, ठीक है ना। वरना अगली बार यूट्यूब चैनल का नाम भी लूंगा और तुम्हारा नाम भी लूंगा मैं। डरता वरता किसी के बाप से नहीं हूं मैं, समझ में आया। तो भैया सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। ये यूट्यूबर जो हैं, इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया लिटरली, ठीक है ना। और मेरे पल फार्मिंग इंडस्ट्री में जिसने गंद मचाई, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे कोई भी हो, उसको है ना, उसका मतलब मैं क्या हर्ष करूंगा, उसको इंडस्ट्री में तो नहीं टिकने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से हूं, तो मुझे ये धमकी देके कोई फायदा नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है ना। उल्टा तुम्हें और दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारा मतलब प्रॉब्लम तुम्हारे यूट्यूब चैनल में हो जाएगी, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे तुम, भूल जाओ उस चीज को, ठीक है ना। तो भैया आप जितने लोग हैं, आपसे मैं विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यूट्यूबर्स की इन बकवास वीडियोस पे बिल्कुल ना जाएं। 10x10 के तालाब में 50 लाख की कमाई, 15x20 के छोटे से कमरे में पैदा किए 60 लाख रुपए, मोती पालन से बने करोड़पति, इंजीनियर ने छोड़ी अपनी नौकरी और बन गए करोड़पति, एक मतलब हद हो गई, बेशर्मी की कोई हद होती है, लेकिन इन यूट्यूबर्स को कोई शर्म नहीं है थोड़ी सी भी, ठीक है ना। कितने बेचारे मतलब लोग मुझे किस तरीके से फोन करते हैं गिड़गड़ाते हुए कि सर हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, हमने इनके कहने पे इनका यूट्यूब वीडियो देखकर हमने अपना काम स्टार्ट किया। ये यूट्यूबर्स कोई वेरिफिकेशन नहीं करते। आप एक बात का ध्यान दीजिए, ये जब भी किसी को भी यूट्यूब के ऊपर दिखाएंगे, जैसे चाहे वो कड़कनाथ हो चाहे वो बायोफ्लॉक हो, एक गरीब किसान ने पैदा किया बायोफ्लॉक के एक टैंक में 1 करोड़ रुपए, एक इंजीनियर ने छोड़ी अपनी नौकरी और बन गया करोड़पति, एक मैडम ने टब में पैदा कर दिए गोल मोती। अरे शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म कर लो। अगर थोड़ी शर्म बाकी हो ना तो ये यूट्यूब वीडियोस पोस्ट करना बंद कर दो, वरना तुम्हारे पर्दे फाश में नाम लेके करूंगा अगली बार से, ठीक है ना। और तुम्हें पता लग जाएगा मैं कौन हूं, जैसे तुम मेरे खिलाफ वीडियो डालोगे तुमको वो भी एहसास मैं करवा दूंगा कि मैं कौन हूं, ठीक है ना।
मेरी इंडस्ट्री में, परफॉर्मिंग इंडस्ट्री में, मैं इसे अपना पैशन मानता हूँ, मेरा जुनून है, मेरा पागलपन है ये इंडस्ट्री परफॉर्मिंग, ठीक है ना। आज मैंने अपनी जिंदगी पूरी दी है इसको, तो इसमें जिसने गंद मचाई ना, मैं उसकी जिंदगी में गंद मचाने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा अगली बार से। तो सोच समझ के वीडियो पोस्ट करना, अगर उल्टी सीधी वीडियो पोस्ट की ना कोई भी, और किसी को भी गुमराह की अगर पर्ल फार्मिंग के अंदर, तो समझ लेना पर्दाफाश करके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं एंड तक तुम लोगों को, ठीक है ना। मुझे बहुत धमकी आती है, सब कुछ आता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। नंबर नोट कर लो 9711858258, अचल सिंह नाम है मेरा, राजस्थान सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूँ, राजपूत कम्युनिटी से हूँ। खून में हमारे मतलब लोगों को, इस तरीके के लोगों को पकड़ पकड़ के मतलब पर्दाफाश करना, ठीक है। ये तो हो गई, चलो मैं ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाऊंगा अभी इस टाइम पे। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि क्या बोलते हैं, जो लोग नए लोग हैं इस इंडस्ट्री में, तो कृपया ये जो नए नए लोग आ जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर खोल के, और नए नए आपको लच्छेदार बातें और बढ़िया बढ़िया बातें आपके साथ करते हैं कि आप ट्रेनिंग ले लीजिए 5,000 रुपये में, आपको रॉ मटेरियल सेल करेंगे, उल्टी सीधी बकवास करेंगे, इनकी बातों बिल्कुल ना है। जो मैंने सवाल आपसे बोले हैं वो सवाल सिर्फ इनसे नहीं, मुझसे भी कीजिए, मुझसे भी नंबर लीजिए, मेरे बारे में भी पता कीजिए, मेरे बारे में भी पता कीजिए कि मैं कब से कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मेरे सेटअप्स हैं, उन लोगों के नंबर मांगिए। आपको मैं ये बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट शायद हर स्टेट में मेरा आपको सेटअप मिल जाएगा। तो जो आदमी जिसका 20 लाख 10 लाख 5 लाख जो भी मेरे माध्यम से लगा है, मेरी कंपनी के माध्यम से, ग्लिटराटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से लगाए, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा अगर उसका पैसा डूब गया होगा। तो मेरी, मेरे बारे में पता करना है या किसी हलवाई के बारे में पता करना है, तो उसकी मिठाई खा के या चल सिंह के क्लाइंट या किसी भी बंदे के क्लाइंट से ही पता लग सकता है कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, और कब से वो इस प्रोफेशन में जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ये सही कुछ सवाल अगर इन लोगों से कर लेंगे तो आप धोखाधड़ी से बच जाएंगे, बाकी मर्जी आपकी है। मेरा काम है आप तक सही संदेश पहुँचाना, सही उद्देश्य है मेरा कि आने वाले टाइम में भारत एक मोती पालन के अंदर एक बड़ा नाम कमाए। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं अभी। शायद अगर मैं बात करूं सिर्फ चाइना चाइना की, तो चाइना 97% गवर्न कर रहा है, 95% ऑफ द पाई गोज टू चाइना। और जो स्टैट्स बोलते हैं, जो हमारे रिसर्च स्टैट्स बोलते हैं, बाई 2025 दिस इंडस्ट्री विल टच ऑलमोस्ट $20 billion, विच इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.5 लाख करोड़। मतलब 1.5 लाख करोड़ का व्यवसाय है अपने आप में, पूरे विश्व में है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा व्यवसाय है, और भारत इसमें कहीं भी मतलब स्टैंड नहीं करता है। आप और मैं कुछ अच्छे लोग, और कुछ जिन लोगों ने, सच्चे लोग मैं कहूँगा, जिनको सच में जुड़ के इस इंडस्ट्री को बहुत एक ऊपर तक लेके जाना है, कृपया इसी तरह आप मेरे साथ विश्वास बनाए रखिए, अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, इसी तरह प्यार देते रहिए। आप लोगों के प्यार और विश्वास की वजह से आज हम लोग इतना आगे पहुँच गए, और निरंतर हमारा प्रयास है कि हम हर वर्ग के आदमी को इससे जोड़ सकें। जैसे मेरी पिछली वीडियो थी गायत्री घर घर पल फार्मिंग योजना, पहले क्या होता था कि मिनिमम 10,000 सीप से हम लोग शुरू करते थे किसी के लिए भी सेटअप लगाना, जिसमें 6-6.5 लाख रुपए की लागत आती थी। लेकिन अब हमने अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, गायत्री घर घर पल फार्मिंग योजना, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, ये मैंने अपनी मदर के नाम से लॉन्च किया है, और वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने उन्हीं को डेडिकेट किया है ये प्लेटफॉर्म। तो ये उन लोगों के लिए है जो छोटे, कम से कम मिनिमम कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि 6.5 लाख रुपए लगा सकें। तो अब आप मिनिमम 1,000 सीप या मजल से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको उसमें तालाब की ज़रूरत नहीं है। क्या टेक्निक इम्प्लीमेंट करनी होगी, कैसे ये काम होगा, सब आपको बताया जाएगा, सब आपको सिखाया जाएगा। और 1,000 सीप के ऊपर आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 रुपये की लागत आएगी, इसमें तालाब की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कई वर्षों के प्रयास के बाद, 2 साल ऑलमोस्ट मेहनत के बाद, हमने एक ऐसा एल्गी डेवलप कर लिया है जो खुद से नाइट्रोजन सक्सेशन करता है और उसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलता है, जो कि हम ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, कि हमें नाइट्रोजन को फिक्स करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेता है खुद से। तो इससे हुआ ये है कि अब हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि अगर हम छोटे स्तर पर करना चाहें तो भाई हम पैसा मतलब कितना ज़्यादा तो नहीं चाहिए हमें, तो मतलब आप 50,000 रुपये मात्र से भी शुरू कर पाएंगे। तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9711858258, ये मेरा नंबर है। आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस पे जो बेल आइकन बना हुआ है, एक घंटी बनी हुई होगी, उसे दबा दीजिएगा। आने वाले समय में आप जितने भी मेरे नए वीडियोज़ हैं या मेरे जितने भी नए आने वाले में प्रोजेक्ट्स हैं, मैं YouTube पे लगातार बताता रहता हूँ। देखिए, मेरे से या किसी से भी फ़ोन पे आप एक आधी अधूरी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जब मैं अपना नंबर देता हूँ और आपको ये बोलता हूँ कि आप मुझसे आके, मेरे ऑफिस ना आके मिलके, मेरी साइट पे आके मिलिए,
तो आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ समझने को मिलता है। आप मेरे ऑफिस आके बैठ जाएंगे, आपको क्या सीखने को मिलेगा? आप ट्रेनिंग सेंटर में आके बैठ जाएंगे, आपको क्या सीखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप किसी साइट पे मेरे से मिलते हैं, तो आपको वो साइट देखने को मिलती है, उस पर कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, उस पर हमें हम लोग कितनी लागत आती है, कितनी सीप डाली गई, क्या रिजल्ट्स चल रहे हैं, ये सब देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि आपका एक माइंडसेट बनता है, आप जाके अपने घर पे डिसीजन मेकिंग कर पाते हो कि हाँ भाई ये बिजनेस मेरे लायक है भी या नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी, आप मुझे आके मिलिए मेरी साइट्स पे, आप बात करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं कि हाँ भाई कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या है, कितने से शुरू करना चाहिए, तो वो सब चीजें आप मुझसे फोन पे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक ही चीज कहूंगा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले साइट विजिट और रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप खुद, मैं कहता हूँ, मतलब कहते हैं ना आ बैल मुझे मार वाली कहानी खुद अपने साथ अपना रहे हैं कि आपने कुछ देखा नहीं, बस सुनी सुनाई बातों पे आपने बस बात पे विश्वास किया और आपने वो सेटअप स्टार्ट कर लिया। अभी मैं कई लोगों ऐसे को भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे घर के पीछे ही ट्रेनिंग सेंटर, वो कहते हैं अच्छा जी यार हरियाणा तो बहुत दूर पड़ेगा यार, वहां तक आना तो बहुत मुश्किल है। मत आओ, तुम्हारी मर्जी है, लगा लो ऐसा पैसा किसी के नाम पे जो तुम्हारे घर के पीछे ट्रेनिंग दे रहा हो, 2-3 दिन पहले उसने ट्रेनिंग सेंटर खोला हो और तुम्हारा सेटअप लगा के चला जाएगा, उसके बाद जब माल रेडी हो जाए तो ढूंढते रहना उस आदमी को, तुम्हारी मर्जी है। वो कहते हैं ना कि हम जो आज डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, वही हमारे फ्यूचर को शेप अप करते हैं। आज आपने जो डिसीजन लिया है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कल को। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से, सभी से, कि प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, कि प्लीज आप लोग पर्ल फार्मिंग के अंदर किसी पे भी ऐसे विश्वास मत कीजिए। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको मतलब लोग अपना, जहाँ पर अपना व्यू रखते हैं, अपना मतलब अपना प्रोडक्ट रखते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है वो तभी पता लग सकता है जब आप उनसे सही सवाल करोगे। अगर आप उनसे सही सवाल नहीं करोगे तो आप खुद आमंत्रण दे रहे हो अपने लिए फेलियर का, ठीक है ना। और ये मतलब जो आपका एक बिहेवियर है कंफर्ट जोन में रहने का, इससे बाहर आ जाइए। किसी ने कभी भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया कंफर्ट जोन में रह के। जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, आप कुछ बड़ा जीवन में कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा फिर से एक बार और, कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप, मेरा नंबर है 9711858258, आप इस पर कॉल कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रॉड लोगों से सावधान रहें, और जो मैंने सवाल करे हैं, जो मैंने बातें आपको बताई हैं, कृपया उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है ना। ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी यही प्लान करते रहते हैं दिन भर के, किससे कैसे पैसा छीना जाए, उनके पास काम तो कुछ है नहीं, तो इन्हीं चीज़ों में उनका दिमाग चलता है। और जो जितने भी और मतलब लोग हैं जो YouTube के माध्यम से करने में, फ्रॉड करने में लोगों से लगे हुए हैं, सुधर जाओ, वरना सुधारना मुझे अच्छी तरह आता है, तुम जैसो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा, और जैसे ही ये कोरोना का लॉकडाउन हटेगा तो हमारा जो गायत्री घर घर पल फार्मिंग योजना है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे करना। और बाकी भी आप इस समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो के समाप्ति में, कि आप इस समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें ये सोचकर कि कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, हम क्या करें, हम तो बैठे हुए हैं, खाली हैं। ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1.5 महीना 2 महीना जब तक लॉकडाउन चल रहा है, धीरे धीरे लॉकडाउन हटना स्टार्ट हो जाएगा। इस समय में अपनी तैयारी शुरू कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो पल फार्मिंग करना चाहता है, उसका पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि उसे सबसे पहले अपने पानी की जाँच करवानी चाहिए, पीएच की और टीडीएस की। पीएच की मात्रा 6.5 to 8.5 ppm इसके बीच होनी चाहिए, 6.5 से 8.5 ppm के बीच में। और टीडीएस की मात्रा टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, पीएच होता है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, टीडीएस होता है आपका टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। तो आपका टीडीएस जो होना चाहिए वो बिलो 1000 ppm होना चाहिए, 1000 ppm से नीचे आपका टीडीएस होना चाहिए, तभी आप पल फार्मिंग कर सकते हैं। मुझे कॉल करने से भी पहले आप चाहें तो टीडीएस और पीएच की जानकारी जुटा लीजिए, क्या आपके पानी का, मिट्टी की कोई जानकारी नहीं चाहिए मुझे आपके मिट्टी के पीएच टीडीएस की, मुझे आपके पानी का पीएच और टीडीएस जानना है। टीडीएस और पीएच जानकारी करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, अगर टीडीएस मीटर या पीएच मीटर आपके पास नहीं है तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से आप पीएच और टीडीएस मीटर खरीद सकते हैं। वहां से इजिली आपको 400-500 रुपये में पीएच मीटर और टीडीएस मीटर मिल जाएंगे, वो खरीद लीजिए, एक कप में पानी भरिए, मीटर को उसमें डुबाइए, ऑन कीजिए, आपको पीएच और टीडीएस की रीडिंग शो कर देगा। अगर आपको उसमें भी असुविधा लग रही है तो टीडीएस जांच कराने के लिए आसपास कोई आरओ का पानी का काम करता हो तो उनके पास टीडीएस मीटर होता है, उनसे बोलिए वो आपका टीडीएस चेक कर देंगे। सबसे पहले अपना टीडीएस चेक कराइए, टीडीएस चेक कराने के बाद डिसीजन लीजिए कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है।
उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको तालाब में करना चाहिए या तालाब में नहीं करना चाहिए। बाकी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर ही सकते हैं, मैंने अपना नंबर दे दिया। और सतर्क रहें, सावधान रहें, आपका दिन शुभ हो। मैं आपसे इसी तरह लगातार वीडियोस पे बना रहूँगा, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।